छत्तीसगढ़ टाइगर्स व भाजयुमो के पदाधिकारियों द्वारा दुर्ग के साइंस कॉलेज में अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर प्राचार्य से जांच कमेटी बनाकर 6 दिवस में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व छात्र नारेबाजी करते प्राचार्य कक्ष तक पहुंचे। शासकीय स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में बुधवार को छत्तीसगढ़ टाइगर्स व भाजयुमो दुर्ग के पदाधिकारी छात्र छात्राओं के साथ नारेबाजी करते हुए साइंस कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात कर अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर चर्चा की और अपनी इन मांगों पर जांच कमेटी बनाकर 6 दिन में निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। गौरतलब है कि राहुल कुमावत और हिमांशु सिंह ने बताया कि बीएससी प्रथम वर्ष प्रवेश में लापरवाही बढ़ती गई है। गोलमाल तरीके से प्रवेश सूची में नाम डालकर प्रवेश देने का प्रयास, पैसे लेन देन होने का आरोप लगाया है। साथ ही एमकॉम की सूची एवं प्रवेश में पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। इन्हीं सभी विषयों सहित अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष हिमांशु सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज लगातार छात्रों की हम लोगों को शिकायत मिल रही थी, साइंस कॉलेज में प्रवेश को लेकर बहुत सारी शिकायत हम लोग के पास आई। इसको लेकर आज युवा मोर्चा साइंस कॉलेज के समस्त छात्रों ने मिलकर हम लोगों ने प्रिंसिपल सर को अपनी बातें रखी हैं। परीक्षा प्रवेश में जिस प्रकार से एडमिशन जब हुआ तो बहुत सारे घोटाले आए और लेन देन का भी मामला सामने आया। इसको लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई महाविद्यालय करे, अन्यथा युवा मोर्चा आने वाले 6 दिन में एक उग्र आंदोलन करेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की और कॉलेज प्रशासन की। किस तरह का लेन देन हुआ इसमें, पैसे को लेकर लेन देन हुआ था, किसी का नाम सामने आया? नाम सामने आया लेकिन अभी उसके पूरे पुख्ता सबूत नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।